स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंजल वन के ऐप पर आपको क्या ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली एक बैंक निफ्टी का लॉट खरीद कर दिखाऊंगा, एकदम कम प्राइस का बैंक निफ्टी लॉट खरीदूंगा और वहाँ पर आपको देखकर पता चलेगा कि क्या आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा यहाँ पर। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंजल वन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल्स पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप अंत तक बने रहते हैं इस वीडियो के, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लॉट्स है तो आपका क्या ब्रोकरेज चार्जेस हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ, डायरेक्टली लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखते हैं क्या चार्जेस लगता है। तो यहां पर जैसे देखिए, डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन चेन खोल कर दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी का। यहां पर 26 अक्टूबर का एक्सपायरी डेट है और स्पॉट प्राइस 43,000 के आसपास है। यहाँ पर जैसे देखिए, नीचे में जब हम आते हैं तो हमें कम प्राइस के ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे देखिए 52,000 CE का अगर हम ऑप्शन प्राइस देखें तो 1.35-1.40 रुपये पर चल रहा है, तो यहाँ पर हम बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लॉट हम दे देते हैं, अपना प्राइस हम मार्केट के हिसाब से दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको चार्जेस का सेक्शन दिख रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना चार्जेस आपको लग रहा है। तो ट्रेड वैल्यू देखिए, एंजल वन ब्रोकरेज वगैरह, और इसके अलावा अदर चार्जेस दिख रहे हैं। तो सिंपली मैं डायरेक्टली कन्फर्म करके बाई कर देता हूँ, ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऑर्डर कंप्लीट भी हो चुका है और अभी 0.75 रुपीस का लॉस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए थोड़ी देर में मैं इसे एग्जिट भी कर दूंगा, आपको पता चलेगा क्या ब्रोकरेज यहां पर लगता है। तो मार्केट में देखिए ये सेम प्राइस ही चल रहा है अभी भी, 1.40 रुपये और 1.35 रुपये का। तो यहाँ पर सिंपली मैं डायरेक्टली एग्जिट कर दूंगा, इससे मेरा सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट में और जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर मेरा सेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेल करने समय आपको दोबारा से चार्जेस वगैरह बताया जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने चार्जेस देख सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर चार्जेस आपको पता चल जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर एग्जिट करके आप अपना सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में मैंने अपना सेल ऑर्डर लगा दिया और ये ऑर्डर गलती से लिमिट ऑर्डर लग चुका है, तो इसे मैं डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर करके एग्जिट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको संग संग पता चल सके क्या चार्जेस यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एग्जिट हो चुका है ऑर्डर से और यहाँ पर डायरेक्टली आपको पोजीशन दिख रहा है 0.75 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने एकदम कम प्राइस के ऑप्शन लॉट को बाई और सेल किया। अब देखिए यहाँ पर एंजल वन की खूबी ये है कि ये आपसे ब्रोकरेज चार्जेस तुरंत ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस 34 रुपीज़ आपको दिख रहा है, लेकिन ये बैलेंस 75 रुपीज़ था। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमाउंट यूटिलाइज में 0.75 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर शुरुआत में ही जब आपका ऑर्डर लगता है तो संग संग आपसे ब्रोकरेज चार्जेस ले लिया जाता है और ये ब्रोकरेज चार्जेस पर ऑर्डर 20 रुपीज़ प्लस 18% GST है, जो कि बनकर निकलता है 23 रुपये 60 पैसे का, और इसमें कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस भी रहते हैं। तो अब चलिए डायरेक्टली हम इनके वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि एंजल वन का क्या चार्जेस दिखाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए एंजल वन का वेबसाइट लोड हो चुका है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर चार्जेस के नाम पर 20 रुपीज़ और 0.25% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिख रहा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का ब्रोकरेज अलग नहीं किया है। यहाँ पर जैसे देखिए इन्होंने बताया है कि लोअर ऑफ 20 रुपीज़ या फिर 0.25 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन का ब्रोकरेज अलग से सेग्रीगेट नहीं किया। यहाँ पर देखकर आदमी सोचेगा 0.25% चार्जेस लगेगा और या फिर 20 रुपीज़ लगेगा, जो भी कम रहेगा वो चार्जेस लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा अगर इनके कैलकुलेटर पे भी हम कैलकुलेट करें ब्रोकरेज चार्जेस, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं 1.4 रुपीज़ बाइंग प्राइस दे देते हैं, सेलिंग प्राइस भी सेम रखते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स 25 कर देते हैं। और यहाँ पर कैलकुलेट ब्रोकरेज कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज कितना कम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल ब्रोकरेज इनका बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि ऐप में आपने देखा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल चुका है कि एंजल वन के ऐप में आपको क्या ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस देना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखकर समझ ही पा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ है और इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर और वेबसाइट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप एंजल वन को कंप्लेंट करिए, तब ये ब्रोकरेज चार्जेस सही देखेंगे। यहाँ पर इनके वेबसाइट को रेफर करके काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कंप्लेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लॉट में बाई करते हैं तो इस केस में देखिए आपका ऑप्शन ट्रेडिंग ब्रोकरेज क्या हो सकता है। जैसे देखिए डायरेक्टली अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी खरीदिए, चाहे निफ्टी खरीदिए, चाहे मिड निफ्टी खरीदिए, चाहे मिड कैप निफ्टी खरीदिए, यहाँ पर इन सभी के केस में आपके ऊपर एक
लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाता है NSE की तरफ से। यहाँ पर देखिए न्यू फ्रीज क्वांटिटी इन लॉट्स, ये जो फ्रीज क्वांटिटी है इसे NSE ने लाया है काफ़ी समय पहले। अगर आप 60 लॉट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप नहीं ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे सिंगल ऑर्डर में ये ऑर्डर। यहाँ पर इस केस में आपका मार्केट में दो ऑर्डर जाएगा। अगर आप 61 क्वांटिटी का लॉट भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका दो ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा, तो इस केस में आपका जो ब्रोकरेज होगा वो दो ऑर्डर का लगेगा, यानी कि ₹40 बाई साइड में, ₹40 सेल साइड में। इसी तरीके से देखिए निफ्टी में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 36 का लॉट का लिमिट है। यहाँ पर 36 से एक लॉट भी ज़्यादा हो जाता है तो आपका मार्केट में दो ऑर्डर जाएगा, तो इस केस में भी आपका डबल ब्रोकरेज हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिन निफ्टी में 45 है और मिड कैप निफ्टी में 56 क्वांटिटी है। आप चाहे जिस भी स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े होंगे, आपका ये जो फ्रीज लिमिट है ये सभी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो एंजल वन हो, ग्रो हो, चरोदा हो या फिर अपस्टॉक्स हो, सभी पर ये लिमिट ऑर्डर आपका एप्लीकेबल है। 60 क्वांटिटी, 36 क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी और 56 क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें।